मंगलवार सुबह खंडवा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों को समझाइश दी गई। पुलिस द्वारा उद्घोषणा की गई कि जिले में धारा 144 लागू है, कृपया अनावश्यक भीड़ न लगाएं। यह फ्लैग मार्च नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। एवं बेवजह सड़कों पर ना घूमे, अपने अपने घरों की ओर जाए, अपने आप को मंगलवार दोपहर कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के साथ शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बॉम्बे बाजार, इमलीपुरा, पंधाना रोड, पुरानी कृषि उपज मंडी, जलेबी चौक, नगर निगम चौराहा, इंदौर रोड सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे व SDM खंडवा संजीव केशव पांडे सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के दौरान भीड़ एकत्र न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। बावजूद इसके कुछ लोग बगैर किसी कारण के बेजा घूमते पाए गए। पहले उन्हें समझाइश दी गई, समझाने के बावजूद नहीं मानने वाले लोगों को पुलिस ने पंपलेट थमाए और उनकी फोटो खींची। इस पंपलेट पर लिखा हुआ है कि मैं समाज का दुश्मन हूं, घर पर नहीं बैठ सकता। इसके अलावा कुछ आवारा युवकों से दंड बैठक भी लगवाई गई। बेटा जरा बगल तो सामने से तेरा फोटो आएगा पेपर में, कल देख लेना अगली बार समझ जाए। बहुत बड़ा दुश्मन होना सर, पत्ता होने के बावजूद भी बाहर निकल पर समस्या नहीं सर। उनको मुंह बांधा, उसको पीछे वाले को बगैर मुंह बांधे हुए लेके घूम रहा है। महामारी बीमारी कितनी बड़ी है, समझ में आ रही है? चलो बड़ा बड़ा घर ही जाओ सीधे। कोरोना वायरस के संभावित प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व में 26 मार्च तक प्रभावशील होने संबंधी आदेश जारी किया गया था। मंगलवार को जारी संशोधित आदेश अनुसार अब प्रतिबंधात्मक आदेश 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार अब आगामी 31 मार्च तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इन दिनों में दवाइयां, किराना, दूध, सब्जी आदि की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यथावत रहेगी, अतः बंद से घबराने की जरूरत नहीं है। कि आज किराना दुकान, डेयरी और इस तरह की जो एसेंशियल सामग्री वाली दुकानें होती हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन है, उसके अलावा सारी दुकानें बंद रहेंगी। साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी बंद किया जा चुका है। 5 व्यक्तियों से ज़्यादा लोग कहीं नहीं पाए जाएंगे। जो भी किसी को अगर इमरजेंसी के लिए कोई पास की ज़रूरत है तो वो SDM कार्यालय में ले सकता है। तीसरी बात यह है कि हमारा कॉल सेंटर पूरी तरह से संचालित है। ये लोगों के लिए आग्रह भी है और निर्देश भी है कि स्वयं जाके किसी चीज़ में इंटरवीन ना करें, ना दुकान को बंद करवाने में और ना ही किसी व्यक्ति के
क्वारंटीन में, उसके बारे में यदि जानकारी हो तो 0733-222-4545 पे सूचित करें और दूसरा एमपी गवर्नमेंट का नंबर 104 पे सूचित करें। अगर कोई उल्लंघन करते तो किस तरह की कार्रवाई? अगर उल्लंघन होगा तो फिर उसकी 144 की 188 आईपीसी धारा में एफआईआर रजिस्टर होगी, और होम क्वारंटीन अगर करता है तो आईपीसी की 3 धारा। सोशल मीडिया को लेकर किस तरह का थोड़ा सा आदेश है? देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे अलग अलग, सोशल मीडिया पे जो भी रूमर्स फैलाएगा, ऑलरेडी पहले से ही आदेश है कि कोई भी भ्रामक जानकारी अगर इस पे देगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के साइबर सेल द्वारा पूरी तरह से वॉच की जा रही है। वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था, कितने वेंटिलेटर है? वेंटिलेटर ऑलरेडी 2 अस्पताल में है, एक SNCO और एक PICU में, और एक वेंटिलेटर और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से एक्वायर कर लिया है, जो उनके पास पड़ा हुआ था, इस्तेमाल में ले आए हैं, वो हमने लगा दिया है अपना आइसोलेशन वार्ड। आज की डेट है जो इमरजेंसी का टाइम होता है, उसमें सारे लोगों को एक साथ काम करना होता है, और उसी के तहत जितने भी 30 बेड से ज़्यादा ऊपर के हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग, उनके हॉस्पिटल्स को विजिट करना, उनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था देखना, और उनके स्टॉक पंजी और उनकी इमरजेंसी सेवाएं उनके पास क्या क्या है, इसकी हमारे पास लाइव लिस्टिंग की जा चुकी है। जिले में क्या अभी स्थिति है कोरोना को लेकर? जिले में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है, सारी टीम्स जो हैं वो बन चुकी हैं, 202 रैपिड रिस्पांस टीम्स अब जिले में कार्यरत हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं उनके भी डायरेक्टली कॉल कर करके सचिवों से जानकारी ली जा रही है कि कहाँ पे टीम आई है। ये टीम BMO को पास की जाती है, जहाँ से रैपिड रिस्पांस टीम को पास किए जाते हैं, और वो टीम्स अब जाके विजिट करके चेक कर रही हैं कि सिम्टम्स हैं या नहीं है। सिम्टम्स नहीं है तो किसी को डरने की कोई बात नहीं है, अगर सिम्टम है तो फिर टेस्ट किया जाएगा और क्वारंटीन किया जाएगा। 31 मार्च तक रहेंगे क्या, आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको? अभी इसके ऊपर हम लोगों ने डिसीजन नहीं ली है, अभी फिलहाल जो लॉकडाउन टाइप की जो स्थिति है वो 3 दिन के लिए है। आधार केंद्र और लोक सेवा केंद्र जो है वो 31 तक बंद है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो 31 तक करेंगे, और उसके बाद जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ MP के निर्देश आएंगे उस हिसाब से इसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।